राजस्थान के शांत माने जाने वाले अलवर शहर में भी अब यूपी और बिहार की तर्ज पर दिन दहाड़े वारदातें सामने आने लगी हैं। बदमाशों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि वे खुलेआम फायरिंग से भी बाज नहीं आते। अलवर के विवेकानंद नगर सेक्टर 3 में 2 बाइकों पर सवार होकर आए 5 बदमाशों ने परचून की दुकान करने वाले दंपति पर फायरिंग कर दी। इसके चलते दुकानदार जय सिंह बावरिया के पैर में गोली लगने से वह घायल हो गया। इस दौरान जय सिंह की पत्नी सुमन ने बहादुरी दिखाते हुए बदमाशों का मुकाबला किया और एक बदमाश को पकड़ लिया। वहीं इन बदमाशों ने महिला के मुंह पर देशी कट्टे से वार कर घायल कर दिया। इसके बाद सभी बदमाश फरार हो गए। उधर मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई और अरावली विहार थाना पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया। वहीं घायल दुकानदार ने बताया कि सुनील नामक शख्स पर उसके 150 रुपए बकाया थे। जब उसने रकम मांगी तो सुनील ने उसे फोन पर धमकाया था। इसके बाद हमले की यह घटना सामने आई है। उधर थाना अधिकारी शीशराम मीणा का दावा है कि सट्टे की बकाया राशि पर विवाद हुआ है और मामले की जाँच की जा रही है। अभी आधा घंटे पहले थाने पे किसी अज्ञात महिला ने मुझे ही फोन किया था कि विवेकानंद नगर सेक्टर नंबर 3 में गोली चली है और एक आदमी घायल हुआ है। मैं जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचा, वहां जाके मालूमात किया तो पता चला जय सिंह बावरिया है, जिसके घर के पास ही कुछ अज्ञात लड़के आए जो इसके जांघ में गोली दे के चले गए। अभी इसका इलाज चल रहा है और इसने अभी नाम नहीं बताया है। मौके पर एक मोटरसाइकिल मिली है जिसके रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पर मुलजिमान की हम तलाश कर रहे हैं। प्रथम दृष्टया ये बात मौके पे सामने आई है दबी हुई जबान से कि ये दोनों पक्ष से जो है आईपीएल सट्टे वट्टे का कोई मैच पे लगाते हैं सट्टे, और उसी बात को लेके इनके कहा सुनी हुई है पैसे की बात को लेके और ये घटनाक्रम हुआ है। और अभी हम इसका मेडिकल करवा रहे हैं और FIR दर्ज करके मुलजिमान की तलाश करेंगे। तो 5 लोग आए, एक स्कूटर था एक बाइक थी। तो अचानक से बोले मैं दुकान पे गई, मेरे को देख के बोले कि भाई साहब को भेजना। मैं बोली कौन को? जय सिंह बोल। मैं बोली क्या बात है? मैं बोली इनको बुलाया मैंने इनको, मैं भाई कोई बोल रहे हैं आप? बोले इनको अंदर ही भेज दे। तो बड़ी मुश्किल से तो अंदर आए, 2 जो लोग अंदर आए और 2-3 बाहर रह गए। तो आके बोले एक बार मैं भी कुछ बोली को क्या काम है भैया, शायद मेरे सामने कुछ बात नहीं कर पा रहे हो। तो बोले बाहर आ जा। तो बाहर गए, घर के बाहर खड़े हो गए थोड़ी देर। तो फिर मैं पीछे पीछे चली गई, फिर वो वहाँ भी नहीं कर पाए। फिर वो साइड में गली है उसके अंदर चले गए वो वहाँ। फिर मैं वहीं खड़ी रह गई हमारे दरवाजे में, थोड़ी दूर पे है गली। तो सुना नहीं, एक टैंकर और पानी वाला था, उसकी आवाज़ आई, सुनी नहीं बात, तो इसलिए कुछ सुन नहीं पाई।